हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर हिंदी लेक्चर. यस, 11th क्लास. आप लोगों की पाठ्य पुस्तक वितान का हम पाठ करने जा रहे हैं, राजस्थान की रजत बूंदें, जिसमें जो लेखक है उसने पानी की समस्या को दर्शाया है कि किस प्रकार आज आधुनिक काल में बढ़ते प्रदूषण के कारण पानी की समस्या हमारे सामने आ रही है. और इसमें उन्होंने इसका नाम राजस्थान की रजत बूंदें इसलिए रखा है क्योंकि उन्होंने राजस्थान में ही हमारा जो एक ऐसा एरिया माना जाता है, एक ऐसा स्थान है जिसमें पानी की कमी ज्यादा आती है, जिसमें मतलब हम कह सकते हैं कि लोग पानी की समस्या से ज्यादा परेशान है. तो इसमें बताया है कि किस प्रकार वे बारिश की बूंदें इकट्ठी कर, यानी कि बारिश का पानी इकट्ठा कर वे इस समस्या का समाधान करते हैं. अब देखिए इसमें क्या कहा गया है. राजस्थान की रजत बूंदें पाठ के माध्यम से लेखक ने पानी को प्रकृति की अनमोल धरोहर बताया है. ठीक है, बढ़ते प्रदूषण के कारण पीने के पानी में कमी आ रही है. लेखक ने इस पाठ के माध्यम से पुराने ढंग से राजस्थान में आज भी पीने का पानी प्राप्त किया जा रहा है. अब क्या है, इसमें लेखक बता रहा है कि किस तरह आज जो पानी पीने की समस्या हमारे सामने आ रही है, और उन्होंने काफी सदियों से पुराना जो एक तरीका था पानी प्राप्त करने का, उसे इसमें अपनाया है. ठीक है, तो अब क्या है, राजस्थान में मरुभूमि होने के कारण पानी की समस्या सदियों से चली आ रही है. मरुभूमि यानी कि मृत भूमि, यानी कि जिसमें कोई किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो उसमें पानी की समस्या सदियों से चली आ रही है, परंतु वहां के समाज ने बहुत मंथन करके अमृत जैसा मीठा पानी अपनी सूझबूझ से प्राप्त किया है. यानी कि वहां के लोगों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और जो धरती थी उसमें एक ऐसा उन्होंने वहां का मतलब तरीका खोजा कि वहां से अमृत जैसा मीठा पानी उन्होंने प्राप्त किया. जिस क्षेत्र में रेत के 10-15 हाथ नीचे खड़िया पट्टी पाई जाती है, वहां वर्षा का पानी रेत में समाकर नमी के रूप में फैल जाता है. ठीक है, वही बात है बताई गई है कि इसमें जो वर्षा का पानी है वो रेत में वाष्प के रूप में समा जाता है, यानी कि नमी बनकर धरती में ही रहता है. आगे क्या है कि उस क्षेत्र के लोग कम व्यास और गहरी कुइयों का निर्माण करके उस नमी से बूंद बूंद कर साल भर पानी प्राप्त करते हैं. अब वे लोग वहां क्या करते हैं, किस प्रकार वे पानी प्राप्त करते हैं, वे लोग वहां कुइयों का निर्माण करते हैं. जैसे कि पहले जमाने में होता था कि बहुत लंबी गहरी धरती में कुई खोद दी जाती थी और फिर रस्सी से वे लोग पानी खींचते थे और पानी प्राप्त करते थे. ठीक है, तो वही चीज बताई गई है कि वे वहां पर नमी से बूंद बूंद करके साल भर पानी प्राप्त करते थे. कुओं को संकरा इसलिए रखा जाता था कि पानी फैल न सके, यानी कि वे मतलब उसका जो मुंह था वो मतलब कम चौड़ी रखते थे ताकि उसका पानी जो है वो धरती में कम फैले और कम पानी वाष्प बनकर उड़े, क्योंकि फैला हुआ पानी वाष्प बनकर उड़ जाता था. ठीक है, तो इस तरह मरुभूमि के लोग बरसात के पानी की नमी को साल भर सहेज कर रखते और पानी प्राप्त करते, यानी कि वे कुइयों में पानी का स्टॉक कर लेते थे, यानी कि पुरानी पानी को सुरक्षित रूप में रख लेते थे और धीरे धीरे फिर वे पानी लेते रहते थे, यानी कि वहां से पानी प्राप्त करते रहते थे. लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यह कहने का प्रयास किया है कि कम पानी पीने वाले क्षेत्रों में यदि बरसात की नमी को सहेज कर रखा जाए और कुइयों का निर्माण करने से पीने के पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है. यानी कि अब इसमें बताया गया है कि यदि हम बरसात के पानी को कुइयों के रूप में या कुइयों में इकट्ठा करके रखें तो हम पानी की समस्या का काफी हद तक समाधान कर सकते हैं और सुरक्षित और साफ पानी प्राप्त
कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह जो ये चैप्टर था इस पार्ट में उन्होंने पानी की समस्या को दर्शाया है और उसका समाधान भी बताया है कि किस तरह हम बरसात का पानी इकट्ठा करके उसे साफ करके उसे अपने जब पानी की कमी हो तो उसी पानी को हम प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने ये चैप्टर करना है और अगर इसमें कोई आपको समझने में प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।